गया तो सारे दोस्त हैं उनकी फैमिली जो वर्कआउट करती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए और उनको दो महीने की सैलरी नहीं दी गई थी तो वो सैलरी भी नहीं मिली और अचानक से बोल दिया कब से मत आओ। तो फाइनली ओनर आए, उन्होंने अपॉलॉजीज दी, लेडीज से भी बदतमीजी की और तो उसकी भी अपॉलॉजी दिया और पैसे जो बाकी हैं ट्रेनर्स के वो देने का वादा करके पुलिस स्टेशन में गए हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी ट्रेनर को एकदम से आपने निकाल दिया ना, एक महीने का नोटिस तो देना पड़ेगा ना। और कोई पर्सनल इशू होगा, वो 8 साल से काम कर रहा है ट्रेनर, घर चला रहा है, उसको सुबह को बोला कल से बताना आप, और पैसे भी 2 महीने की बाकी है तो वो कहाँ जाएगा। हम लोग जो मेम्बर्स हैं उनको ही बोलेगा, तो सारे मेम्बर्स जितने हैं जुड़े हम लोग और उसके लिए खड़े हुए हैं। वी आर वेरी हैप्पी नाउ। पुलिस ने बहुत मदद की, काफ़ी योशीवाड़ा पुलिस ने बहुत मदद की और आई एम थैंकफुल कि आजकल ऐसा हो रहा है कि हम लोग पुलिस पे जाते हैं और लोग जो सही है उसको साथ देते हैं। ऑफकोर्स दुख तो होता ही है क्योंकि मेरे पास कुछ काम नहीं है तो सडनली आप काम नहीं मिल सकता ना, तो काम मिलने के लिए 15-20 दिन एक महीना तो लगता है, काम तो ऐसे पड़े नहीं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ पर्सनल इश्यूज नहीं, उसको बंदे के सामने वाले बंदे को ईगो था, बस उसको लगा कि मुझमें एटीट्यूड है, उसने मुझसे कुछ बात नहीं की थी, कुछ नहीं किया तो भी वो बोल रहा है कि मुझमें एटीट्यूड है। साहिल सर इसलिए हम लोग यहाँ पे है अभी, ये तो मैं कुछ नहीं कर पाता अभी। अभी पैसा मिल गया, जब मिलेगा उस दिन पार्टी देना हम लोग को। पक्का पक्का सर। See, honestly, I mean, when you see a person who is actually doing the hard work and if nobody is taking stand for that person, it's a shame in like in the society, then I would say. Ye aadmi 8 saal se har kisi ko train kar raha gym mein and meri like 3 member meri family mein sabko train kar raha hai, meri family mein se like females bhi aati hain unko bhi like train kar raha hai aur aapko malum hota hai ki ye aadmi gym mein hai, iski dekhni, iska baat karne ka tarika, iska nazariya kaisa hai, acha hai tabhi itne log aaj iske sath khade hain and honor himself has a big issue with him, reason being because agar ye greet karna bhool gaya to usko lagta hai ki isko ego hai, lekin wo ye bhool ke usme kitni ego, ye soch raha hai ki ye aadmi mujhe greet nahi kar raha, mujhe shameful thing, only because usne ko greet nahi kiya iska matlab ye nahi ki tum usse job se nikal doge, shameful matter man। पर थोड़ा दुख है, मैं 8 साल काम करने के बावजूद मुझे एक दिन में टर्मिनेट करना किया, इसलिए बस और कुछ नहीं। इट इज सैड, इट इज सैड, बट राइट नाउ एट द मोमेंट लीगली दिस इज ऑल वी कैन डू, यू नो, कि हम लोग इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते। बहुत दुख की बात है कि कोई 8 साल का ही काम करे और एकदम से उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। पैसे की तो बात होती है लेकिन पैसे देने के बाद भी अगर आपको यू नो रिस्पेक्ट होता है ना एक, तो हर्ट तो होगा उसको, इमोशनली बुरा तो लगेगा, बट ठीक है, मे बी उसकी ज़िंदगी और कुछ बेहतर चीज़ों के लिए इंतजार कर रही है। थैंक यू।